हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। हफ्ते का दूसरा दिन है और निफ्टी में लगातार अपसाइड मोमेंटम अभी बना हुआ है। यह डेली चार्ट है निफ्टी का। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार देख लेना, यहाँ ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दे दी जाएगी। तो ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल कल हमने ड्रॉ किया था, ये आज का कैंडल है और ये कल का कैंडल। तो 38.2% का ये जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। कल ऐसा हमारा ऑब्जर्वेशन था। और आज का हाई 18,081 और ये जो लेवल है 18,080। तो ज़बरदस्त ये इस लेवल ने आज एग्जैक्ट रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम किया है। वीडियो एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अभी 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। जो कल हमने इंट्राडे लेवल्स मार्क किए थे, एक बार उसका रिव्यू कर लेते हैं। निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ तो एग्जैक्ट ये जो लेवल है फर्स्ट टारगेट का 18,043, रेजिस्टेंस का काम किया, नीचे आया, 50 EMA का सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक हुआ, फर्स्ट टारगेट फिर से अचीव हुआ, रेजिस्टेंस का काम किया, तभी ब्रेकआउट लेवल ने यहाँ पर सपोर्ट का काम किया, ऊपर गया तो एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट के लेवल के पास यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया। नीचे ब्रेकआउट लेवल ने भी कई बार यहाँ पर सपोर्ट का काम किया। तो लेवल्स एक बार फिर से यहाँ पर अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आए। अभी कल क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार फिर से डेली चार्ट को देखना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमने कल यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था उसका 38.2% का लेवल यहाँ पर अचीव हो चुका है। इसी जगह पे ये सेलिंग जोन आ रहा है, जो पास्ट में यहाँ से ये ज़बरदस्त फॉल आया था, एक छोटा स्विंग हाई बन के ये फॉल आया था। तो 18,100 को अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है निफ्टी इंडेक्स तो हमें 18,200 के यहाँ पर लेवल्स आते हुए नज़र आ सकते हैं। निफ्टी काफ़ी बुलिश है तो इस समय अभी शॉर्ट जाना थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर काफ़ी टाइम अगर 18,100 के पास ये पेनेट्रेट करता है तो यहाँ से एक करेक्शन आता हुआ कल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो बुलिशनेस है, ये कल भी हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देखा था, जो इसका स्टीफनेस है ऑलमोस्ट 60 एंगल में ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये सस्टेन नहीं करता, इसके नीचे एक ज़बरदस्त स्ट्रांग रेड कैंडल नहीं बनती, तब तक यहाँ से शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की साबित हो सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन को ज़रूर फॉलो करें। अभी चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं। आज का जो हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल बन रहा है उसके ऊपर ही जस्ट आज का हाई है, और हमने वहाँ पर देखा रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा था 18,080 के पास। तो कल हमारा ये ब्रेकआउट लेवल होगा, इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 18,102 और सेकेंड टारगेट होगा 18,123। इसके नीचे ये जो लेवल बन रहा है, आज लास्ट के दो जो कैंडल्स बने हैं इनसाइड बार ट्रेडिंग बना है, यानी इस कैंडल के हाई और लो के बीच में ये नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बना है। तो इस रेड कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है 18,003 तो हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी फर्स्ट टारगेट होगा 17,979 और सेकेंड टारगेट होगा ये पिंक लाइन जो कि 20 EMA का लाइन है, 17,953, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। यह निफ्टी के लेवल्स हैं। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लेवल्स ज़बरदस्त सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। कल जो हमने आइडेंटिफाई किए थे ब्रेकआउट लेवल ने सुबह यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया, नीचे ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट ने एग्जैक्ट सपोर्ट का काम किया, यहाँ से बाउंस बैक हुआ निफ्टी इंडेक्स, ऊपर की तरफ गया तो दूसरी बार ब्रेकआउट लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस किया, और जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ा फर्स्ट टारगेट ने एग्जैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया। तो लेवल्स यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में अच्छे से वर्क करते हुए नज़र आए सपोर्ट रेजिस्टेंस का। 60 मिनट के चार्ट पर चलेंगे, कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करते हैं। कल के लिए आज का हाई अगर ब्रेक होता है सेकेंड टारगेट का जो लेवल था हमारा आज का जस्ट उसके ऊपर 38,519, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 38,616 और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 38,730, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। टूवर्ड्स अगर साउथ की तरफ आता है तो आज जहाँ से फर्स्ट कैंडल का ओपन हुआ था वहाँ से एक फॉल आया था,
तो ये जो लेवल बन रहा है 38,361, ये हो सकता है अभी आगे जाके सपोर्ट का काम करे। तो ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा, इसके नीचे फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 38,256 और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 38,142, जहाँ से स्विंग लो बन के फिर से बाउंस बैक हुआ वो हमारा सेकेंड टारगेट का लेवल हो सकता है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।